नेक्स्ट वन चेक द गिवन कैरेक्टर वैलिड डिजिट्स और नॉट. प्रीवियस केसेस में डिस्कस किया था अबाउट कैरेक्टर ऑपरेशन, मीन्स कैरेक्टर्स के रिस्पेक्ट में. फर्स्ट वन चेक किया, चेक द गिवन कैरेक्टर वैलिड अपर केस कैरेक्टर और अपर केस अल्फाबेट और नॉट. सेकंड केस में डिस्कस किया था, चेक द गिवन कैरेक्टर वैलिड लोअर केस कैरेक्टर और नॉट. थर्ड वन, नेक्स्ट वन, चेक द गिवन कैरेक्टर वैलिड डिजिट्स और नॉट. अपर केस के रिस्पेक्ट में कंडीशंस क्या अप्लाई किया था, अपर केस के केस में पॉसिबल केस क्या थे, इन सम कैरेक्टर्स आर ए बी सी डी अप टू जेड. इस केस में मिनिमम कैरेक्टर क्या था, अपर केस ए, आस्की वैल्यू इज 65, मैक्सिमम इज जेड, आस्की वैल्यू इज 90. सेम एज लोअर केस कैरेक्टर्स के रिस्पेक्ट में कंडीशंस क्या थे रिस्पेक्ट टू लोअर केस, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल जेड. ASCII value of small a is 97, b is 98, 99, last one 122. Similarly, digits के respect में आते हैं, digits भी क्या है, also symbols. It is also represented in the form of their ASCII value inside memory. इस तरह से characters को represent करने के लिए आसान क्या सम ASCII value में जितने भी symbols हैं, चाहे डिजिट्स हों, अल्फाबेट्स हों, स्पेशल सिंबल्स, सभी सिंबल मेमोरी के अंदर हमेशा ASCII वैल्यूज के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट होंगे, जैसे अपर केस कैरेक्टर ए बी सी डी लाइक दैट. सिमिलरली इस केस में वैलिड डिजिट्स क्या हैं, डिजिट ए जीरो, डिजिट वन, डिजिट टू अप टू डिजिट नाइन. जीरो के रिस्पेक्ट में आते हैं, जीरो के स्केप हम रिप्रेजेंट हो इन टू इन द फॉर्म ऑफ ASCII वैल्यू. ASCII वैल्यू ऑफ जीरो इज 48, ASCII value of 1 is 49, ASCII value of 2 is 50. Similarly, ASCII value of 9 is 57. Means finally digits के means previous case में alphabets के लिए भी condition case form में supply किया था in the form of lower case or upper case और minimum range or मैक्सिमम रेंज फॉर लोअर केस एंड अपर केस. इस केस में भी सिमिलरली डिजिट्स के लिए सप्लाई किया गया, दिस इज द मिनिमम रेंज फॉर डिजिट, दिस इज द मैक्सिमम रेंज फॉर डिजिट्स. इस मिनिमम रेंज के अकॉर्डिंग कंडीशंस क्या हो जाएगा, अगर सी एस गिवन कैरेक्टर सी एस का ASCII वैल्यू जीरो के ASCII वैल्यू से बड़ा है या इक्वल है, जीरो का ASCII वैल्यू क्या 48 एंड सी एस का ASCII वैल्यू या लेस देन और इक्वल्स टू 57, देन इस केस में currently CS or given character considered it is a valid digits or CS containing valid digits. Same as character ASCII values के places पर directly symbols भी represent करना possible. If CS greater than equals to ASCII value of 0 and CS less than equals to ASCII value of 9. इन दोनों ही conditions के meanings कैसे, exactly same condition. This is the valid if conditions for चेकिंग गिवन डिजिट और गिवन कैरेक्टर इज वैलिड डिजिट और नॉट. अगर किसी भी कैरेक्टर का ASCII वैल्यू इस ASCII वैल्यू के रेंज के अंदर एग्जिस्ट करा, टाइप क्या है उसका, वैलिड डिजिट. देन नाउ प्रोग्राम्स वाइड मैन. इस केस में अगेन वेरिएबल्स कितने रिक्वायर्ड है, ओनली सिंगल वेरिएबल कॉल्ड एज सी एस. व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल, कैरेक्टर ऑपरेशन से अप्लाई करें, इसलिए डेटा टाइप यूज करेंगे एज ए कैरेक्टर टाइप. अगेन वेरिएबल डिक्लेरेशंस प्रोवाइड करने के जस्ट वन नेक्स्ट रिक्वायर्ड स्टेप क्या है, रीडिंग इनपुट्स फ्रॉम अ यूजर विद द हेल्प ऑफ स्कैनएफ फंक्शंस. स्कैनएफ से जस्ट पहले मैसेज डिस्प्ले करा लेंगे, एंटर कैरेक्टर और एंटर एनी कैरेक्टर. इन रियल में कैरेक्टर्स में या सी एस में वैल्यू असाइन करने के लिए यूज क्या करेंगे, स्कैनएफ फंक्शंस, स्कैनएफ परसेंट सी. इस केस में डिजिट्स भी कैरेक्टर्स के फॉर्म में रीड हो रहा है, इसलिए यूज क्या करें, परसेंट सी नॉट अ परसेंट डी. देन इफ कंडीशन और चेकिंग कंडीशंस, तो कंडीशन क्या चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज. मिनिमम रेंज मे बी 48 और 0, मीन्स अगर सी एच का ASCII वैल्यू 0 के ASCII वैल्यू से बड़ा है एंड सी एच का ASCII वैल्यू 9 के ASCII वैल्यू से छोटा है, ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, देन कोऑपरेटिव कंडीशन कैसा होगा, ट्रू. ट्रू है देन करेस्पॉन्डिंग इफ कंडीशंस के अंदर या इफ बॉडी के अंदर मैसेज डिस्प्ले कराएंगे एज अ एंटर डिजिट इज अ वैलिड डिजिट, गिवन डिजिट इज अ गिवन कैरेक्टर इज वैलिड डिजिट. अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स है देन एल्स ब्लॉक के अंदर डिस्प्ले करा लेंगे एज अ इनवैलिड डिजिट. प्रिंट एफ
invalid digit, or enter digit is invalid, or enter character is invalid digit. This is the conditions for checking digits. Means finally, अगर आप इसको टेस्ट करो, टेस्ट करने के रिस्पेक्ट में सपोज द सी एच के केस में रन टाइम पर एंटर किया एज अ फोर, एज अ फोर, देन फोर का आस्की वैल्यू क्या हुआ, जीरो का आस्की वैल्यू क्या है, आस्की वैल्यू ऑफ जीरो इज 47, आस्की वैल्यू ऑफ वन इज 48. मैं कैरेक्टर्स की बात करूँ ना कि डिजिट्स. आस्की वैल्यू ऑफ कैरेक्टर टू इज 49, आस्की वैल्यू ऑफ कैरेक्टर थ्री इज 50, आस्की सॉरी 48 से स्टार्ट करेंगे, जीरो का आस्की वैल्यू क्या 48 49 50 51, और द आस्की वैल्यू ऑफ 4 इज 52. फाइनल इस केस में अगर जब भी आप 4 एंटर कराओगे तो 4 के रिस्पेक्ट में इंटरनली मेमोरी के अंदर बाइनरी नंबर किसका स्टोर होगा, 52 का. कंडीशन भी अप्लाई करें तो कंडीशन में क्या रहेगा इसका मीनिंग, 52 ग्रेटर देन इक्वल्स टू आस्की वैल्यू ऑफ 0 विच इज 48. फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू एंड सेकेंड कंडीशन टेस्ट होगा 52 लेस देन इक्वल्स टू आस्की वैल्यू ऑफ 9 विच इज 59. दोनों ही कंडीशन ट्रू है, मीन्स 52 48 से बड़ा है, 59 से छोटा, मीन्स वैलिड रेंज. इसलिए दोनों ही कंडीशन ट्रू है, ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू. डिस्प्ले क्या होगा, वैलिड, लाइक दैट. इस तरह से कंडीशन टेस्ट करना पॉसिबल. नेक्स्ट वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे चेक द गिवन कैरेक्टर वैलिड अल्फा न्यूमेरिक और नॉट.